हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमजोली किचन। आज मेरी मॉम आपको काली मसूर की दाल विद स्पेशल तड़का बनाना सिखाएंगी। सबसे पहले ये दाल बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। और दोस्तों, जब आपकी दाल ये सब मसालों के साथ पक जाए और फिर दोस्तों इमली का पानी डालेंगे दाल में, वो थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद तड़का डालेंगे। अच्छा दोस्तों, ये काली मसूर की दाल जो है, मैंने 2 सीटी पे प्रेशर कुकर में इसको गला लिया था। अब इसमें डालेंगे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। दोस्तों डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब दोस्तों सब मसाले डाल के हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, उसको काली मसूर की दाल को मसाले के साथ पकने को रख देंगे थोड़ा सा। अच्छा दोस्तों, अब ये दाल मसाले के साथ पक गई। अब इसमें डालेंगे इमली का पानी। इसको थोड़ा सा पकाएंगे इमली के पानी के साथ, फिर मैं आपको तड़का लगा के दिखाऊंगी। ये तड़के का सामान है, हमने लिया है 1 बड़ी प्याज, 2 ग्रीन चिलीज, आप और ग्रीन चिलीज ले सकते हैं अगर आप और स्पाइसी चाहते हैं तड़का अपना, और थोड़ी सी अदरक और पुदीना लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये तड़का हमारा फ्राई हो रहा है मस्टर्ड ऑयल में। अब दोस्तों मैं मॉम तड़का लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, और अब आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मेरी मॉम ने काली मसूर की दाल वो स्पेशल तड़का सर्व कर दिए। बहुत ही यम्मी लग रही है दोस्तों ये दाल। दोस्तों इस सलाद के साथ बहुत अच्छी लगती है, प्याज, हरी मिर्च और एप्पल साइडर विनेगर के साथ ये कॉम्बिनेशन, ये दाल चावल के साथ बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। आप ट्राई करके बताइएगा दोस्तों कमेंट में कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन आपको, और ये दाल कैसी लगी स्पेशल तड़के के साथ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छी अच्छी यम्मी यम्मी रेसिपीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।